कल ईद की नमाज़ है और ईदगाह में इस समय हम मौजूद हैं। ईदगाह में लोग साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया द्वारा यह साफ़ सफाई का काम चालू है। कल यहाँ ईद की नमाज़ होनी है। पहले की तरह लोग यहाँ पे आम लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे 5 लोग को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले की तरीके साफ़ सफाई नहीं हुई है, हालांकि फिर भी जो बड़ी बड़ी घास थी वहाँ यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार यहाँ पे आम लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, सिर्फ 5 लोग को नमाज़ पढ़ने की प्रशासन ने इजाज़त दी है। यहाँ पे 5 लोग ही नमाज़ पढ़ सकेंगे। मुफ्ती आफ्ताब खुतबा खिताब करेंगे और उनके पीछे 4 लोग और नमाज़ पढ़ सकेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और इस समय मैं मौजूद हूँ हरदोई के ईदगाह में, जहाँ पर ईद की नमाज़ कल होनी है और आम लोग इस बार नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन प्रशासन ने 5 लोग की नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी है। यहाँ पे सिर्फ 5 लोग ही नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चालू है, लगभग साफ़ सफाई का काम पूरा हो चुका है। मज़दूर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो घास यहाँ पे उग जाती है हर साल वो साफ़ कर दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुफ्ती आफ्ताब नमाज़ पढ़ाएंगे और उनके पीछे 5 लोग ही नमाज़ पढ़ सकेंगे, खुतबा खिताब करेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस बार यह हो रहा है और सिर्फ 5 लोग के ही नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी गई है। नमाज सुबह 7 बजे शुरू होगी और आम लोग से प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों पर ही नमाज़ पढ़ने की। आइए आपको सुनाते हैं कि अंजुमन इस्लामिया के सदर खालिद टीपू ने क्या कहा। जी सर, ईद के लिए अंजुमन इस्लामिया ने वक्त तय कर दिया। ईदगाह में 7:30 बजे नमाज़ और जामा मस्जिद में 8:30 बजे सुबह नमाज़ होगी, लेकिन वही 5 लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 5 लोग के साथ ईद की नमाज़ दोनों जगह पर अदा की जाएगी। और बाकी लोगों से अपील की जाती है वो लोग अपने घरों पर ही और उसी नमाज़ें पढ़ लें। ईद के संबंध में भी यही जनता से अपील है तथा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि सभी धर्म स्थल बंद रहेंगे, कहीं कोई इकट्ठा नहीं होंगे, सब लोग अपना अपने परिजनों से मित्रों से ऑनलाइन या फोन के माध्यम से अपना एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। मेरी तरफ से भी सभी को ईद की शुभकामनाएँ हैं तथा यही अपील है कि जो कोरोना का कारण है इससे बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी ईद को मनाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग